हेलो गाइस, वेलकम माय देसी फैमिली। और मैं श्वेता आपका वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके लिए एक रिव्यू लेके आई हूँ, जो कि ना कि किसी मेकअप प्रोडक्ट का है, ना किसी क्रीम का है, ना किसी कपड़े का है। वो है चाय की पत्ती का। अब आप कहेंगे कि चाय की पत्ती का कौन सा रिव्यू होता है। रिव्यू मैं इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से दूसरे अदर ब्रांड यूज़ करती थी, जैसे काफ़ी लोग यूज़ करते होंगे, जैसे ताजा हो गया, टाटा टी हो गया। फिर मैंने टीवी ऐड देख के मैंने सोचा कि आज अब की बार मैं ले आती हूँ। मैं अब की टाइम लिए रेड लेबल का नेचुरल केयर, ये देखिए ये वाला मैं पैकेट ले आई। मैंने सोचा कि ये इतना इसका मैंने टीवी में ऐड देखा, मैंने सोचा कि ला के देखती हूँ वाकई में हर्बल टी होता है कि नहीं। बारिश का मौसम है, मानसून चल रहा है और चाय के तो सब कोई फ़ैन होते हैं, तो मैंने कहा ये भी ट्राई करके देखती हूँ ये वाकई में इसमें हर्बल ऐसा है क्या कि हर्बल का इतना ये ऐड करता है कि इसमें ये है, अश्वगंधा है, मुलेठी है, अदरक है, जिंजर है और पता नहीं क्या क्या है। तो मैंने कहा ये चाय की पत्ती, अब कि ये मैंने फ़र्स्ट टाइम परचेज़ की मैंने इसको, मैंने कहा इसको देखती हूँ, इसको यूज़ करके एटलीस्ट सबको अपने फ्रेंड्स को तो बताना बनता नहीं कि वाकई में ये चाय की पत्ती जो है टी लीफ कैसी है। इसको मैं ले आई मार्केट से, तो मैंने इसको ओपन करके एक डिब्बे में पैक कर लिया है। ये रहा, ये वो डिब्बा है, ये चाय की पत्ती का डिब्बा है, टाटा का, टाटा ब्रांड का है ये। इसकी जो चाय की पत्ती है, स्मेल सो नाइस, मतलब मैं बता नहीं सकती कैसे स्मेल आती है इसमें। जैसे सकते लौंग और जो लेमन ग्रास जिसको बोलते जराकूस, उसकी जो पत्ते का स्मेल होता है ना, वो इतनी अच्छी स्मेल आती है इसमें से, लगता है कि इसका चाय बन जाए ना, तो चाय पी के तो मज़ा आ जाए, मतलब इतनी अच्छी स्मेल आती है। आप स्मेल करोगे चाय की पत्ती को, चाय की पत्ती बिल्कुल भी स्मेल नहीं करती है। जैसे लगता है कि लौंग, इलायची और वो जराकूस, लेमन ग्रास एकदम बढ़िया से डाला गया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या कि स्मेल तो बहुत अच्छी करती है, नो डाउट, लेकिन जब आप चाय बनाते हो फिर चाय में वो स्मेल आती ही नहीं है बिल्कुल भी। बस एक यही वो है, मसाले वाली चाय बहुत पसंद है। आई लव जिंजर टी एंड छोटी इलायची एंड लौंग की चाय, ये सब मुझे बहुत पसंद है। सिंपल प्लेन चाय नहीं पसंद, उसमें कुछ ना कुछ तो मसाला ज़रूर डालना है। तो मैं जब ये चाय पत्ती ले, मुझे इसमें केवल चाय की पत्ती में आपको स्मेल आएगी इसके टी लीफ में, लेकिन आप जब चाय बनाने जाओगे तो उसमें कोई भी ऐसा कोई भी स्मेल नहीं आएगी। बिल्कुल जो सिंपल चाय होती है वैसी आपको चाय लगेगी, स्मेल में भी और टेस्ट में भी। इसलिए मैं ये रिव्यू दे रही हूँ, अगर किसी फ्रेंड ने ये चाय पत्ती यूज़ की हो, अगर उसको स्मेल आती हो, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताए, प्लीज़ लेट मी नो कि कैसे आप, किस तरह से आपने उसको बॉयल किया था, बनाया था कि उतनी अच्छी स्मेल आई थी। मैंने बनाया, मुझे कोई स्मेल नहीं है, लेकिन चाय की पत्ती ऐसे तो बहुत अच्छी स्मेल कर रही है, नो डाउट बहुत ही अच्छी है। तो आप बताइएगा कि आपने जब परचेज़ किया तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि YouTube पे वीडियो बनाने तो बहुत बनाते हैं, लेकिन जो व्यूअर्स होते हैं उनका भी तो अपना एक्सपीरियंस होता है। तो प्लीज़ मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।